आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर की जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर में जो इंटरफेस यूनिट है किसी भी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का तो इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस को अपने इंटरफेस के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर करना है वो सीपीयू के द्वारा करना पड़ता है यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले उस इंस्ट्रक्शन को या डेटा को सीपीयू को भेजेगा और सीपीयू उसे मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा और इस डेटा को डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए सीपीयू को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो सीपीयू रजिस्टर से डेटा को ट्रांसफर करेंगे मेमोरी में, में इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी होंगे जो कि चेक करेंगे स्टेटस रजिस्टर को स्टेटस रजिस्टर जैसे कंडीशनल फ्लैग्स हमने देखे थे जब इंस्ट्रक्शंस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखे थे उसमें आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे कि जिसमें आप फ्लैग की कंडीशन के हिसाब से कोई एक्शन लेते हैं अगर फ्लैग बिट सेट होती है तो कुछ अलग तरह का स्टेप लेना पड़ता है और अगर सेट नहीं होती तो फिर एग्जीक्यूशन दूसरी तरीके से होता है उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी होंगे जो कि मॉनिटर कर रहे सीपीयू को जरूरत पड़ेगी कि अब तक कितना डेटा ट्रांसफर हो चुका है तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर को समझाने के लिए ये एक ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है डिवाइस कैपेबल है एक टाइम में एक बाइट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जब भी इस इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास डेटा होता है ट्रांसमिट करने के लिए वो उस डेटा को इस इनपुट आउटपुट बस में प्लेस करता है और इस डेटा वैलिड सिग्नल को हाई कर देता है ये डेटा वैलिड सिग्नल एक तरह से एक सिग्नल है इंटरफेस यूनिट के लिए कि अब इनपुट आउटपुट बस में एक वैलिड डेटा ट्रांसमिट हो रहा है जैसे ही इंटरफेस यूनिट को यह डेटा प्राप्त होता है वो उस डेटा को डेटा रजिस्टर में स्टोर करता है और ये डेटा एक्सेप्टेड जो लाइन है ये इसको इनेबल कर देता है यानी कि एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है कि उसने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इस इंटरफेस यूनिट में एक स्टेटस रजिस्टर है जिसमें एक वन बिट फ्लैग है एफ तो जब भी ये डेटा एक्सेप्ट कर लेता है ये स्टेटस रजिस्टर की जो एफ बिट है इसको भी सेट कर देता है ऐसा होने के पश्चात जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डेटा वैलिड जो सिग्नल है इसको लो स्टेट यानी जीरो कर देता है दोबारा लेकिन ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोबारा तब तक कोई डेटा इस इंटरफेस को ट्रांसमिट नहीं करेगा जब तक ये डेटा एक्सेप्टेड लाइन जो है यह हाई स्टेट में है ये जो स्टेटस रजिस्टर है इसका जो फ्लैग है एफ ये दर्शाता है कि डेटा रजिस्टर में इस वक्त वैलिड डेटा है तो सीपीयू के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू वो इस स्टेटस रजिस्टर को चेक कर लेता है बार बार जब भी ये बिट एफ वन सेट होती है तो सीपीयू जो है डेटा रजिस्टर से डेटा को रीड कर लेता है और रीड करने के पश्चात सीपीयू या फिर इंटरफेस यूनिट इस स्टेटस रजिस्टर का जो एफ फ्लिप फ्लॉप है 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 इसका बिट इसको जीरो सेट कर देती यानी कि सीपीयू जब भी डेटा को यहां से रीड कर लेता है डेटा रजिस्टर को यह एफ बिट क्लियर हो जाती है और जैसे ही यह एफ बिट क्लियर होती है यह डेटा एक्सेप्टेड जो सिग्नल है ये भी लो स्टेट में आ जाता है तो ये एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक सिग्नल है कि अब आप दोबारा इनपुट आउटपुट बस के थ्रू डेटा यहां ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा रजिस्टर में ये जो सभी स्टेप्स अभी हमने बताए ये इस फ्लोचार्ट के माध्यम से दर्शाए गए हैं हम ऐसा रिज्यूम कर रहे हैं कि कुछ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं जो कि यहां पर इस इनपुट आउटपुट डिवाइस ने ट्रांसमिट करनी है मेमोरी में हर एक बाइट को ट्रांसफर करने के लिए तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होगी पहले तरह के इंस्ट्रक्शन जो कि स्टेटस रजिस्टर को पढ़ पाए दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शन जो कि जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे जो कि इस स्टेटस फ्लैग एफ की स्टेटस के हिसाब से आगे एक्ट करें अगर ये इसका स्टेटस सेट नहीं है यानी कि F फिजिकल टू जीरो है तो वो दोबारा से स्टेटस रजिस्टर चेक करता रहे कब तक जब तक ये सेट नहीं हो जाता और अगर ये सेट है यानी कि एफिकल टू वन है तो वो डेटा रजिस्टर के कंटेंट को रीड कर ले कौन सीपीयू इस प्रकार इस इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एक बाइट सीपीयू रजिस्टर में ट्रांसमिट करेगा और जब सीपीयू रजिस्टर में ट्रांसमिट हो गया सीपीयू दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के डेटा रजिस्टर से मेमोरी में, में ट्रांसमिट कर देगा तो इस लेक्चर में हमने देखा कि प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर किस तरीके से काम करता है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे काम करता है धन्यवाद